नमस्कार, झारखंड की खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगले दो दिनों तक साफ रहेगा मौसम, अष्टमी और नवमी को हो सकती है बारिश। शनिवार को राजधानी रांची में सुबह 7 बजे से ही आसमान साफ था, तेज धूप खिली हुई थी। शहर में आर्द्रता का स्तर 79% था। हवा नहीं चलने के कारण लोगों को हल्की उमस और गर्मी का सामना करना पड़ रहा था। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन में रांची का मौसम मुख्य रूप से साफ रहेगा। दोपहर के बाद आसमान में हल्के बादल दिख सकते हैं। शहर में अगले दो दिनों तक बारिश होने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही रांची के तापमान में कोई खास बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है। हालांकि दुर्गा पूजा के अष्टमी के दिन से बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मौसम में अगले 5 से 6 दिनों तक कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। बंगाल की खाड़ी से सटे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। कल तक और मार्क होकर पश्चिम उत्तर की तरफ बढ़कर दक्षिण ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र की तरफ बढ़ने की संभावना है। इसका असर देश के विभिन्न राज्यों में 13 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। संभावना है कि इसके कारण 13 और 14 अक्टूबर को रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश दर्ज की जाएगी। ऐसे में राज्य भर में दुर्गा पूजा के अष्टमी और नवमी को बारिश की संभावना है। शिक्षकों के 72,000 पदों के सृजन पर शिक्षा मंत्री की मंजूरी। राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 72,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन के लिए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अपनी सहमति दे दी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर उन्होंने अपनी मंजूरी दी। शिक्षकों के पद सृजन संबंधी फाइल अब विधि विभाग और वित्त विभाग के पास जाएगी, जहाँ से स्वीकृति के बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। वर्ष 2000 में झारखंड अलग राज्य होने के बाद से प्राथमिक और मध्य विद्यालय में शिक्षकों के पद का सृजन नहीं हुआ था। प्राथमिक से मध्य विद्यालय में स्कूल अपग्रेड हुए थे, लेकिन हर स्कूल में आवश्यक न्यूनतम 3 पदों का सृजन नहीं हो सका था। शिक्षा मंत्री की सहमति के बाद उम्मीद की जा रही है कि पदों के सृजन के साथ साथ पहले से रिक्त 23,000 पदों पर भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति 2 से 3 चरणों में होगी। राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 17,835 और मिडिल स्कूलों में 4,893 पद रिक्त हैं। वहीं 72,000 पद सृजित होने से राज्य के प्राथमिक स्कूलों में कुल 95,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकेगी। ऐसे में राज्य सरकार फेज वाइज नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेगी। पहले चरण में 30,000 से 35,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें आधे पद पारा शिक्षकों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास पारा शिक्षक इसके लिए योग्य होंगे। पहले चरण की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले चरण के लिए प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसी दौरान राज्य सरकार नई शिक्षक पात्रता परीक्षा का भी आयोजन करेगी। झारखंड में शौचालय का पैसा बकाया रखने वाले मुखिया नहीं लड़ पाएंगे पंचायती चुनाव। झारखंड में इस वर्ष के अंत में या अगले साल जनवरी में पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी है। इस बीच पलामू जिला प्रशासन की ओर से यह साफ कर दिया गया है कि शौचालय का पैसा रखने वाले मुखिया चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पेयजल स्वच्छता विभाग की ओर से कहा गया है कि जिस पंचायत के मुखिया पर विभाग का शौचालय निर्माण की राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा नहीं किया गया है, उन्हें NOC नहीं दिया जाएगा। इससे वे चुनाव लड़ने से वंचित रह जाएंगे। ममता का मिशन 2024। झारखंड में दीदी की पार्टी का बड़ा दांव, कई सामाजिक कार्यकर्ता ने थमा TMC का दामन। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद ममता बनर्जी अब वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा की चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल से निकलकर पूरे देश की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में जुट गई हैं और इसी क्रम में झारखंड में भी संगठन विस्तार का काम शुरू हो गया है। इसके लिए शनिवार को रांची में कई सामाजिक कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। रांची के बरियातू स्थित तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का तृणमूल कांग्रेस में स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सांसद कामेश्वर बैठा ने बताया कि पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ही अब पूरे देश में गैर भाजपाई दलों का नेतृत्व कर सकती है। उन्होंने बताया कि झारखंड में भी संगठन को मजबूत बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज मुकेश कश्यप समेत अन्य लोगों को पार्टी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि मुकेश कश्यप पूर्व में पश्चिम बंगाल इकाई में पार्टी से जुड़े थे, अब उन्हें झारखंड इकाई का महासचिव बनाया गया है और संगठन को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। JPSC का बड़ा फैसला, हर अभ्यर्थियों को मुफ्त में मिलेगा 8 नंबर, 4 प्रश्नों के सभी विकल्प गलत थे। झारखंड लोक सेवा आयोग ने शुक्रवार को 7वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित मॉडल उत्तर जारी कर दिया। इसके तहत सामान्य अध्ययन के पहले पत्र में 9 तथा दूसरे पत्र में 2 प्रश्नों के उत्तर में संशोधन किया गया।
आयोग ने माना है कि पहले पत्र में चार प्रश्नों के चारों विकल्प गलत थे। इन चारों प्रश्नों में सभी अभ्यर्थियों को दो दो अंक दिए जाएंगे। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित मॉडल उत्तर में भी एक प्रश्न के उत्तर गलत है। इसमें पूछा गया है कि डोम्बारी ब्रू किस आंदोलन से संबंधित है। इसका उत्तर संथाल हुल बताया गया है, जबकि डोम्बारी ब्रू का संबंध बिरसा उलगुलान से संबंधित है। आयोग में संशोधित मॉडल उत्तर में आपत्ति दर्ज कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। मनरेगा में 31 अक्टूबर तक 1100 पदों पर बंपर बहाली। झारखंड में मनरेगा के रिक्त पदों की बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग ने 31 अक्टूबर तक मनरेगा के तकरीबन 1100 रिक्त पदों को भरने का लक्ष्य निर्धारित किया है। बहाली की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी करने के बाद 15 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सांकेतिक रूप से कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। लंबे समय से रिक्त इन पदों का असर मनरेगा के कामकाज पर भी पड़ रहा है। हाल के कुछ महीनों में रोजगार के आंकड़ों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। मनरेगा के तहत जिला स्तर पर बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश ग्रामीण विकास विभाग के स्तर से जिलों को दिया जा चुका है। वहीं राज्य स्तरीय पदों की बहाली की प्रक्रिया मुख्यालय स्तर पर पूरी की जाएगी। जिन पदों की बहाली होनी है उनमें OSD कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता, कंप्यूटर ऑपरेटर, रोजगार सेवक और प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी प्रमुख हैं। झारखंड में 4000 कॉलेज शिक्षकों की बंपर वैकेंसी। झारखंड के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति अब बदले पैटर्न में होगी। राज्य सरकार ने अब इन पदों पर नियुक्ति UGC द्वारा वर्ष 2018 में जारी रेगुलेशन के आधार पर करने का निर्णय लिया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस संबंध में नियमावली लागू कर दी। यह झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से वर्तमान में चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर लागू नहीं होगी। नए कॉलेजों में सृजित पद तथा पिछले दो वर्षों में रिक्त हुए पदों अर्थात अगले चरण में लगभग 4000 पदों पर होने वाली नियुक्ति बदले पैटर्न में होगी। नई नियमावली के तहत सहायक प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्ति झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी। इस पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन देने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। आयोग द्वारा प्राप्त आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद अभ्यर्थियों के एकेडमिक अंकों के आधार पर अपबंधिक मेधा सूची जारी की जाएगी। इस पर अभ्यर्थी अपनी आपत्ति भी दे सकते हैं, जिसकी समीक्षा के बाद रिक्त पदों से 3 गुना अभ्यर्थियों को मेधा सूची के आधार पर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। एकेडमिक अंकों तथा साक्षात्कार के अंकों के आधार पर अंतिम मेधा सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर विश्वविद्यालयों को नियुक्ति की अनुशंसा भेजी जाएगी। विश्वविद्यालय सिंडिकेट से अनुमोदन लेकर अनुशासित अभ्यर्थियों को नियुक्ति करेगा। झारखंड में तेज होगी भाषाई राजनीति, संथाली को राज्य की प्रथम भाषा घोषित करने की उठी मांग। झारखंड में भाषा की राजनीति तेज होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भोजपुरी, मगही और मैथिली के खिलाफ टिप्पणी और इसे नियुक्ति की परीक्षाओं में स्थान न दिए जाने को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, अब संथाली को प्रथम राजभाषा घोषित करने की आवाज उठी है। इसके लिए शुक्रवार को झारखंड के संथाल के जिला मुख्यालय पर धरना दिया गया। उपायुक्तों के माध्यम से राष्ट्रपति और झारखंड सरकार को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान हिंदी के साथ संथाली को राज्य की भाषा घोषित करने की वकालत की गई। अपनी मांगों को लेकर आदिवासी संगल अभियान के सदस्यों ने शुक्रवार को साहिबगंज जिला कलेक्टर के निकट धरना दिया। इसका नेतृत्व अभियान के जिला अध्यक्ष दुखू मुर्मू ने किया। धरना के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा गया। जिला अध्यक्ष दुखू मुर्मू ने बताया कि 2021 की जनगणना में आदिवासियों को सरना धर्म कोड प्रदान किया जाए, संथाली को हिंदी के साथ साथ झारखंड की प्रथम राजभाषा बनाई जाए और हो, मुंडा, कुडुक, खड़िया आदि भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। खूंटी में नाबालिग समेत PLFI के 2 उग्रवादी गिरफ्तार, एक देसी बंदूक और 25 गोली बरामद। खूंटी जिले के कर्रा थाना अंतर्गत गुयू जंगल से पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के एक नाबालिग समेत 2 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने 2 नाली बंदूक, 25 गोली, नक्सली पर्चा, चंदा रसीद और एक स्क्रीन टच मोबाइल बरामद किया है। इसकी जानकारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी ने शनिवार को अपने कार्यालय में दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम जिला पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर को गुप्त सूचना मिली कि कर्रा क्षेत्र के गुजु जंगल में नक्सली संगठन PLFI का दस्ता हथियारों के साथ किसी कांड को अंजाम देने के लिए घूम रहा है।
दस्ता में कर्रा थाना में नामजद वांछित अभियुक्त भी शामिल है। सूचना का सत्यापन करने के बाद पुलिस अधीक्षक ने टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। गठित टीम ने मामले पर अविलंब कार्रवाई करते हुए गुयु जंगल में छापेमारी शुरू की और इस दौरान पद्मपुर जरिया रोड स्थित गुयु जंगल से अवैध आग्नेयास्त्र गोली PLFI का पर्चा और चंदा रसीद के साथ उग्रवादी दस्ता का सक्रिय सदस्य 21 वर्षीय विनोद नायक और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया। झारखंड के फेरी वाले के बेटे ने झारखंड कंबाइंड इंजीनियरिंग की परीक्षा में राज्य में पाया प्रथम स्थान। रामगढ़ जिले के डाड़ी प्रखंड भवन के समीप रहकर हॉट बाजारों में फेरी करने वाले धनी महतो के पुत्र गुंजन कुमार ने झारखंड कंबाइंड इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेटरल एंट्री 2021 की परीक्षा में झारखंड में पहला रैंक लाकर प्रखंड का नाम रोशन किया है। गुंजन ने परीक्षा में राज्य में पहला स्थान प्राप्त कर साबित कर दिया है कि यदि सच्ची लगन हो तो हर काम संभव है। गुंजन कुमार ने जनरल और OBC दोनों कैटेगरी में नंबर 1 पर रैंक प्राप्त किया है। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।